कपड़ा के अंदर सूखा पड़ा है, बारिश नहीं हुई है, इसलिए सोयाबीन का भी उत्पादन नहीं हुआ है और बोंडअळी की वजह से कपास भी खत्म हुआ है। सोयाबीन और कपास उत्पादक किसान आत्महत्या की रेखा पर खड़ा है और क्रॉप लोन भी किसानों को नहीं मिला है। अगर कोई किसान क्रॉप लोन मांगने को नेशनलाइज बैंक में जाता है तो नेशनलाइज बैंक के मैनेजर वो किसान के जो पत्नी है उसकी वाइफ है उसको सेक्स की डिमांड करते हैं, उनका लैंगिक शोषण करते हैं और ये बात तो बहुत गंभीर है। और क्रॉप लोन भी नहीं मिला, क्रॉप इंश्योरेंस भी नहीं मिला और जो सरकार ने जो भाव डिक्लेयर किया है वो भाव बहुत कम है, वो भाव भी किसानों को नहीं मिल रहा है। सरकार किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए 15 दिन पहले सरकार को हमने कहा था कि सोयाबीन और कपास उत्पादक किसानों को 50,000 रुपये नुकसान भरपाई मिले, अगर ये मुआवजा नहीं मिलता है तो हम आंदोलन करेंगे। आज हमने शेगांव बैतूल जो रास्ता है वो रास्ता हमने अड़ा के रखा है, यहाँ पे चक्का जाम आंदोलन किया है। अगर आज शाम तक सोयाबीन और कपास उत्पादक विदर्भ मराठवाड़ा के किसान को सरकार करती है तो कल से महाराष्ट्र के अंदर विदर्भ मराठवाड़ा के अंदर ये सरकार का मंत्री कोई नहीं घूमेगा, वो मंत्रियों को हम ठोके निकालेंगे, ये हमारा आंदोलन है। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए TV30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।